आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। मध्य प्रदेश के सतपुरा पहाड़ी पर प्राचीन मंदिर स्थित है। यह मंदिर ब्लड देव का मंदिर है। इस मंदिर को दो नामों से भी जाना जाता है, नाग देवता व ब्लड देव के नाम से भी यह मंदिर जाना जाता है और दोनों नामों से इस मंदिर में पूजा होती है। इसका इतिहास करीब 854 वर्ष पूर्व द्वारा है। यह मंदिर बाड़वानी जिले में नागलवाड़ी शिखर धाम पर स्थित है। गौर करने वाली बात यह है कि आज़ादी से पहले की बाड़वानी को निर्माण पैरस के रूप में जाना जाता है। कारण यह है कि प्राकृतिक सुंदरता के नाम से भी जाना जाता है और लाखों के श्रद्धालु लोग इसको अपना देवता मानते हैं। मनुष्य जो भी अपनी मनोकामना बोलकर जाता है उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। Oh, yeah.
वर्षा ऋतु के आने पर यहाँ के दृश्य बड़े मनमोहक हो जाते हैं। जहाँ तक देखो वहाँ तक हरियाली देखने को मिलती है। बारिश के मौसम में आप जाएं तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि बादल आपसे बात कर रहे हैं, वे खुद नीचे उतर के आ रहे हों। यह भूतल से 3.5 किलोमीटर लगभग पहाड़ी पर बसा हुआ है। पर्यटक यहाँ लाखों की संख्या में आते हैं। नाग पंचमी पर यहाँ विशेष मेला लगता है, जो नाग पंचमी से मनोकामना बोलकर जाता है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मनोकामना पूर्ण होने के बाद अपने परिवार के साथ मंदिर में दर्शन करने आते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार भंडारा व भोजन की व्यवस्था करवाते हैं। बड़ी सुंदरता से इस मंदिर को बनाया गया है और इस मंदिर में आने के बाद वह इसका दृश्य देखने के बाद वह इसकी नक्काशी देखने के बाद इसको देखकर मन शांत हो जाता है। बाबा ब्लडदेव शिखर धाम मंदिर नागलवाड़ी के मुख्य तपोभूमि पर हम अभी विराजमान हैं। बाबा ब्लडदेव के दरबार में हम सभी उपस्थित हैं और मैं ब्लडदेव मंदिर शिखर धाम मंदिर के मुख्य पुजारी राजेंद्र बाबा, आज आपके चैनल के माध्यम से बाबा ब्लडदेव के संक्षिप्त इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी बाबा को देना चाहता हूँ। बाबा ब्लडदेव जो कि नाग देवता के अवतारी महापुरुष है, जिनका जन्म संवत 1220 854 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के हरदा जिले के रोलगांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रेलन था और माताजी का नाम मैदाबाई था। वो गौ सेवा करते थे, गौली परिवार से थे, गौ सेवा करते थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके आराध्य देव भगवान शिव जी थे जो गौ सेवा करते थे और पार्थिव पूजा करते थे। ऐसा करते हुए कई वर्ष बीत गए। उनकी पूजा से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मांगो आप क्या वरदान चाहते हो, तो राणा रेलन और माता मैदा ने उनको कहा, हे प्रभु आप सब कुछ अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं कि हमारे पास सभी कुछ अनधन सभी है, मगर हमें अरे किसी बात की कोई कमी है तो सिर्फ संतान की जो कमी हमें हमेशा खलती रहती है, निसंतान का कलंक हमेशा बना रहता है, आपकी कृपा हो जाए और हमें संतान सुख प्राप्ति हो जाए। भगवान शिव जी ने कहा कि आपके नसीब में आपके किस्मत में कोई संतान का सुख है नहीं, मगर आपने भक्ति की है तो उसके फलस्वरूप आपके यहाँ एक बालक का जन्म होगा, मगर वो आपके पास जब तक रहेगा जब तक कि मैं चाहूँगा। किसी भी महापुरुष या संत का जन्म लेने के पीछे कोई ना कोई हेतु होता है, कोई ना कोई कारण होता है, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा यदा यदा धर्म से अकलानी भवर भाता। जब भी हमारे भारतवर्ष में आसुरी वृत्तियों का उत्पन्न होता है, आसुरी वृत्तियां बढ़ती है, उनका विनाश करने के लिए या तो कोई संत महापुरुष या स्वयं परमात्मा नारायण भगवान जन्म लेते हैं। उस समय पूरे भारतवर्ष में तंत्रवाद बहुत पावरफुल था, तांत्रिक आसुरी वृत्तियां बढ़ गई थी, उनका विनाश करने के लिए ब्लडदेव का जन्म हुआ था। जो नाग पंचमी से शुरू होकर लगभग एक हफ्ते तक यह मेला चलता है। प्राचीन कथा के अनुसार देव रैनन और मेघाबाई शिवजी की कठोर तपस्या करने के बाद भगवान शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए। मेघाबाई को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। होने के पश्चात जैसे ही कि हमने पहले कहा कि भगवान शिव जी ने जैसा वरदान दिया था कि आपके जीवन में संतान का सुख नहीं है, उसी अनुरूप भगवान शंकर साधु वेश बनाकर आते हैं, इनके माता पिता की परीक्षा लेते हैं और बालक स्वरूप ब्लडदेव को उठाकर ले जाते हैं और जिस पलने में से इन्हें उठाया जाता है उसी पलने में एक नाग देवता छोड़कर जाते हैं। इनके माता पिता ने जब देखा कि पलने के अंदर बालक नहीं है और वहाँ एक नाग देवता विराजमान है, तब उन्होंने इधर उधर खोज की और खोज करने के बाद में फिर उन्हें स्मरण हुआ
कि हो सकता है भगवान शिव जी की माया होगी। उन्होंने पुनः भगवान शिव जी की प्रार्थना की। भगवान ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि आपके जीवन में संतान का सुख है नहीं, आपके यहाँ एक निसंतान का कलंक मिट जाएगा। बालक का जन्म जरूर होगा मगर उसका सुख प्राप्त नहीं होगा। और आज भी जो है, अब ये बालक आपको वापस मिलने वाला नहीं है, मगर ये नाग देवता जो है आपकी सेवा में रहेंगे। और आज से आपके बालक को ये वरदान है कि इसकी दोनों रूपों में पूजा होगी, नाग देवता के रूप में भी होगी और भिलड़ देव जो है मानव रूप में भी होगी। इसलिए भिलड़ देव को दोनों रूपों में पूजा जाता है, नाग देवता के रूप में पूजा जाता है और मानव रूप में भिलड़ देव के रूप में पूजा जाता है। इन्हें उठाकर जो ले गए थे भगवान शिव जी, वो पचमढ़ी चौरागढ़ ले गए, वहाँ तंत्र शिक्षा प्राप्त की भगवान भिलड़ देव ने। और तंत्र शिक्षा प्राप्त करने के बाद में भैरवान जी के साथ में ये उस शिक्षा को, जैसे कहा है कि असुरीय वृत्तियाँ बढ़ गई थी उस समय, तांत्रिकों का आतंक फैला था, उन तांत्रिकों का विनाश करने के लिए भिलड़ देव और भैरवान जी जो है चौरागढ़ मध्य प्रदेश से होकर बंगाल में गए। और वह बंगाल में जाकर वहाँ के सारे तांत्रिकों को परास्त किया। वहाँ पर कई प्रकार के जादूगर जैसे गंगा टेले, राजा गन्नी, लुनिया चमार, ऐसे कई प्रकार के वहाँ जो तांत्रिक टोने टटके वाले थे उनका विनाश किया। बंगाल विजय प्राप्त की और वही का वर्तमान राजा गन्नी हुआ करता था। उनकी कन्या का नाम राजल था। उनकी कन्या के साथ में भिलड़ देव का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद, बंगाल विजय प्राप्त करने के बाद, जब वापस भिलड़ देव चौरागढ़ बचमढ़ी आते हैं, तब भगवान शिव जी कहते हैं कि मेरा जो ध्येय था वो पूर्ण हो गया है। अब जनकल्याण करने के लिए आप जो है इसी सतपुड़ा की वादी में नागलवाड़ी जो है विराजमान है, वहाँ वो सतपुड़ा की वादी में नागलवाड़ी विराज मतलब स्थापित करो और वहाँ पर शासन करके जनकल्याण कीजिए। इसी सतपुड़ा की वादी में पचमढ़ी चौरागढ़ भी, और इसी सतपुड़ा में बाबा भिलड़ देव की नगरी नागलवाड़ी गाँव में उनका विराजमान हुआ, उनका शासक हुआ, उन्होंने जनकल्याण किए। उनके क्षेत्र में नागलवाड़ी के राज्य के अंतर्गत पूरा निमाड़, मध्य प्रदेश का निमाड़, मालवा और महाराष्ट्र का खानदेश, ये पूरा उनका राज्य क्षेत्र हुआ। या जनकल्याण किया, नागलवाड़ी जो गांव है वो उनकी राजगादी हुई। और शिखर पर जब हम विराजमान, अभी बाबा भिलड़ देव विराजमान है, वो बाबा जी तप के माध्यम से आज भी यहाँ विराजमान है। ये बाबा जी का सारा इतिहास है। भक्तों से निवेदन है, भंडारा प्रसादी अवश्य ग्रहण करें, कोई भी भक्त बाबा जी की शिखर धाम से भूखा न जाए। बाबा जी के दरबार में पूरे साल भर सप्ताह के सातों दिन निःशुल्क भंडारा प्रसादी के आयोजन आप सभी श्रद्धालु भक्तों के सहयोग से किए जा रहे हैं और आगे भी सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बाजी के विशाल भव्य अनवरत चलने वाले भंडारों में जिन श्रद्धालु भक्तों को एक दिन की भंडारा प्रसादी अपने नाम बुक करानी है, ये मान पत्र के मन में इच्छा है, वे भक्त कार्यालय में जितेंद्र जी बंगाली एवं राजेंद्र जी बाबा जी से संपर्क करें, अपना नाम एवं भंडारा बुक करा कर पुण्य लाते हैं। भक्तों, अन्नदान महादान, अन्न से बड़ा कोई दान नहीं। आप और श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है, बाबा जी के अनुग्रह चलने वाले भंडारों में जिन श्रद्धालु भक्तों को ही ब्लड देवता के श्रद्धालु पूरे देश में है, ब्लड बाबा के प्राप्त से बंगाल में अत्याचार तथा दुष्ट जादूगर तथा तांत्रिक को आतंक सफाया किया। अपने जीवन के अंत तक बाबा ब्लड देव नागलवाड़ी में ही बसे। नाग पंचमी पर यहाँ विशेष मेला लगता है, जो नाग पंचमी से शुरू होकर लगभग एक हफ्ते तक यह मेला चलता है। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।